हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूक्लियर रिएक्टर 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजेश पासवान और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो विकास बटालियन का सॉन्ग है, या फिर हम कह सकते हैं कि उन पे एक सॉन्ग है। आप सब तो जानते ही होंगे कि अभी अभी एक हमारे तिब्बतन भाई देश के लिए शहीद हो गए, नियमा तेंजिन उनका नाम है, सॉरी था। और उन्होंने बहुत जो है बहादुरी के साथ अपना काम किया और बहुत बहादुरों वाली जो शहादत है उनको नसीब हुई। मैं इस वीडियो पे जो रिएक्शन देने का मेरा एक मोटिव और भी है कि मैं लोगों को थोड़ा अवेयर करना चाहता हूँ कि जो तिब्बतन कम्युनिटी इंडिया में रहती है उनका इंडिया की डेवलपमेंट में या उनके डिफेंस में, इंडिया के डिफेंस में क्या उनका रोल है। तो ये सब जो ख्याल हैं लोगों के दिमाग में आ जाए या किसी के दिमाग पहले से हैं तो थोड़े ताज़ा हो जाए, ये मेरी इस वीडियो पे एक्शन देने का बहुत सारे मोटिव में से एक मोटिव है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। क्या है वीडियो? सॉन्ग Yeah.
था सॉन्ग, और लास्ट में मैसेज आया कि ये पूरा सॉन्ग नहीं है, सॉरी, शायद पता नहीं आगे किसी को पूरा सॉन्ग मिलेगा तो मुझे जरूर सेंड करना, मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा से इस पर कर दूँ। पर मैं एक इम्पोर्टेंट बात ये बोलना चाहता हूँ कि पहले तो वो नियम्मा तेंजिन का सलूट है, आपने सही में एक कमाल का काम किया है, पूरे इंडिया को आप पे बहुत बहुत क्या बोलते हैं उसे गर्व है, इंडिया का क्यों, आप तिब्बतन कम्युनिटी को भी आप पे बहुत गर्व हुआ कि आपने उनकी नाक और उनकी जो पहचान है ठीक है, पर उसको ना वो ऊपर बढ़ाया। अब सही में माफ़ कीजिएगा अगर मेरे मुँह से कुछ भी गलती से भी गलत निकल गया हो तो, ठीक है, मैं सही में बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ तिब्बतन कम्युनिटी की, और मैं सही में मैं क्या आपको, आप देख लेना कि इंडिया के मतलब इंडिया में सभी यही चाहते हैं कि तिब्बत आज़ाद हो जाए चाइना से और तिब्बतन कम्युनिटी जो है वो अपने घर लौट सके। एक्चुअल में देखिए ये सब बहुत कम्प्लेक्स हो चुका है, तिब्बत को आज़ाद कराने हैं इंडिया के लिए मेरे हिसाब से तो अब एक ही ऑप्शन है कि लड़ाई हो जाए चाइना और इंडिया के बीच में, और इंडिया जो है वो तिब्बत को लड़ाई के दौरान उस पर कब्जा कर ले और फिर इंडिया उसे आज़ाद कर दे, क्योंकि चाइना तो छोड़ने नहीं वाला, या फिर चाइना पे डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तिब्बत के बारे में बात कीजिए, ठीक है। आप अगर कोई तिब्बतन इस वीडियो को देख रहा है तो आप मुझे जो है अपनी कम्युनिटी के बारे में या फिर जो भी आपके रिलेटेड जो भी वीडियो हो वो मुझे रिकमेंड कीजिए, मैं ज़रूर उस पर जो है एक्शन दूंगा, ये मेरा कंट्रीब्यूशन होगा आपके लिए, ताकि मेरी जितने भी ऑडियंस हैं मतलब उनके दिमाग में तिब्बतन कम्युनिटी के बारे में जो भी ख्याल आते हैं वो थोड़े ताज़ा रहे। इससे क्या होगा कि तिब्बतन लोगों के बारे में और तिब्बत के बारे में जब बात होगी तो धीरे धीरे, वो स्लो प्रोसेस है, तो धीरे धीरे इससे जो है पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में जब ये बात फैलेगी तो चाइना पे ऑटोमेटिकली प्रेशर बनेगा, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे वीडियोस हो जो ये दिखाए कि भाई चाइना किस तरह से मतलब वहाँ के तिब्बत के लोगों को सप्रेस कर रहा है, ठीक है, मतलब बात होनी चाहिए इस पर, ठीक है। और इंडिया तो आपके साथ है ही, इंडिया तो हमेशा से चाहता है, इंडिया के लोग भी चाहते हैं कि तिब्बत एक आज़ाद देश बन जाए, तो क्या करें, आजकल का सिनेरियो ही कुछ ऐसा है कि सब कुछ बहुत कम्प्लेक्स हो गया है। कोई नहीं, आप स्ट्रगल करते रहिए, इंडिया ने भी स्ट्रगल किया और फिर जाके हमें 200 साल बाद अंग्रेजों से जो है वो आज़ादी मिली, आपको भी एक ना एक दिन मिल जाएगी, बस हार मत मानिएगा। चलिए वीडियो को इसी नोट पे ख़त्म करते हैं, बाय बाय।